चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत कहाँ से हुआ है जी? पाइवोटल, पाइवोटल इंपॉर्टेंट, पाइवोटल रोल ऑफ, पाइवोटल इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। इफ समथिंग इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस मतलब अत्यंत महत्व का। क्लियर? अगर हम कोई पाइवोटल सर्वे कर रहे हैं मतलब इम्पॉर्टेंट सर्वे जिसका नियर फ्यूचर में महत्व होगा, असर पड़ेगा, ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं? पाइवोटल। दैट इज लाइकली टू अफेक्ट समथिंग दैट विल कम इन द फ्यूचर। कोई ऐसी चीज़ जो आज हो रही है और आने वाले भविष्य को पर जिसका प्रभाव होगा, वैसी चीज़ों को हम पाइवोटल बोलते हैं, महत्व का, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इसका सिनोनिम्स है। इंपॉर्टेंट के अर्थ में पाइवोटल की जगह वाइटल भी हम लोग यूज करते हैं। हो गया? चलिए, और किसी सफल व्यक्ति को क्या बोले थे? द वर्ड वॉज पर्सोनेज। क्या था? अ सक्सेसफुल पर्सन वॉज। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेनोमेनल, द वर्ड वॉज फेनोमेनल। नहीं बताया गया? नहीं हुआ इस बैच में? किस बैच में हुआ? सुबह वाले में? किस में? संडे वाले में? अच्छा ठीक, आएगा, कोई बात नहीं। हो गया यहाँ तक? हाँ, चलो अगला वर्ड। किसी चीज पर निर्भर होना, पाइवोट ऑन, पाइवोट ऑन या हिंज ऑन, हिंज ऑन समथिंग, पाइवोट ऑन समथिंग, वर्ब है ये। पूरा जो चर्चा हो रहा है भारतीय वायुसेना को लेकर, वो सभी बस इस बात के इर्द गिर्द घूम रहा है कि नुकसान कितना हुआ, हमला हुआ, इस बात पर किसी को कोई दो राय नहीं। तो पूरा डिस्कशन इसी बात पर पाइवोट ऑन कर रहा है, मतलब इसी बात पर सारा निर्भर है। लिखेंगे द वर्ल्ड डिस्कशन, ब्रैकेट में तर्क वितर्क कुछ लिखवाए थे क्या? द वर्ल्ड डिस्कशन इस वर्ब का सब्जेक्ट आमतौर पर डिस्कशन, आर्गुमेंट, डिबेट, इस तरह का नाउन होता है। इस वर्ब का जब सब्जेक्ट आप लिखोगे तो डिस्कशन, डिबेट, आर्गुमेंट जैसे शब्द होंगे। द वर्ल्ड डिस्कशन पाइवोट्स ऑन whether, pivots on whether America is willing to help India, on whether America is willing to help India। सारा डिस्कशन इस बात पर निर्भर है, मतलब इसी बात पर केंद्रित है कि क्या अमेरिका भारत की मदद करना चाहता है या नहीं चाहता है। ऑन का ऑब्जेक्ट ये नाउन क्लॉज, ये पूरा डिस्कशन ही इसी विषय को लेकर है। नेक्स्ट जी, क्रूर, पिटीलेस, पिटीलेस, मर्सीलेस, जिसके अंदर पिटी ना हो, पिटीलेस। आदमियों को बोलते हैं, अगर कोई रूलर पिटीलेस है मतलब क्रूर है, जिसके अंदर बिल्कुल भी दया या क्षमा के भाव नहीं हो, दैट इज कॉल्ड पिटीलेस किंग या पिटीलेस रूलर। अच्छा, मौसम भी कभी कभी पिटीलेस हो जाती है, मतलब क्या हो जाती है, वो आप पर रहम नहीं दिखाती है ना, जैसे बारिश बर्बाद करने पर तुल जाती है, तब पिटीलेस का सिनोनिम सा बोल सकते हो रिलेंटलेस। हाँ, अगर कोई चीज खासतौर पे मौसम वगैरह लगातार निरंतर आपको नुकसान पहुंचा रही है, कोई दया नहीं दिखा रही, तो हम लोग बोलते हैं रिलेंटलेस लेन है।
रेन है, पिटीलेस है। अगर नेचर पिटीलेस हो जाए तो वहां पर रहम नहीं दिखाएगी। तो क्रूर के अर्थ में शोइंग नो मर्सी, शोइंग नो पिटी। चलिए नेक्स्ट, पैसे की बहुत छोटी रकम, पिटेंस, तुच्छ रकम। नाउन है, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, खास तौर पे जो मजदूरी के रूप में मिलता है। व्हाट दे गिव मी इज नथिंग मोर देन पिटेंस, मतलब व्हाट दे गिव मी फॉर माई जॉब इज नथिंग मोर देन पिटेंस, बहुत ही अल्प मात्रा है, उससे अधिक वो कुछ नहीं है, है ना। छोटी रकम को डिरिसिव अमाउंट भी बोलते हैं। डिरिसिव कैसे मूल अर्थ होता है, हास्यास्पद, हालांकि डिरिसिव अमाउंट बोलते हैं वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। अल्प मात्रा के लिए हमने पॉजिटिव वर्ड भी देखा था, अ लिटिल अमाउंट ऑफ समथिंग, पॉजिटिव ऑफ ट्रुथ, सिंटिला देखा था, अ सिंटिला ऑफ समथिंग, अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ समथिंग, अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मनी इज पिटेंस। दे ऑफर्ड अस डिरिसिव अमाउंट, हमने ऑफर को स्वीकार कर लिया, नहीं करेंगे, बहुत ही तुच्छ रकम, तो दिस वॉज पिटेंस। आगे बढ़ेंगे जी, दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, दया, पी आई टी वाई। अच्छा हाँ ठीक, सॉरी, नाउन और वर्ब दोनों है, दया या दया दिखाना, दया या दया दिखाना। दया या दया दिखाना, एग्जाम्पल लिखोगे पीटी का वर्ब के रूप में। स्टार्ट करें, ही पिटीड पीपल, ही पिटीड, पी आई टी वाई हटकर आई आ जाएगा, आई डी, जैसे क्राई का कैसे बनाते हो आई डी, फ्लाई का कैसे बनाते हो, लेकिन जब बी फोर बनाते हो तो वाई को रख कर आई एन जी जोड़ते हैं। क्राई का बी फोर कैसे बनाओगे, वाई को रिटेन करेंगे, आई एन जी जोड़ेंगे, लेकिन वी टू वी थ्री बनाओगे तो वाई को गायब करके आई डी। उसी तरह से ही पिटीड पीपल, ही पिटीड पीपल हु वर स्टक, Who were stuck in that war zone? In that war zone, मतलब वो उन लोगों के लिए दया भाव रखता था, उन पर दया था जो उस युद्ध में फंस गए थे, वार जोन में जो लोग फंस गए थे उनके लिए उसके मन में दया थी, वो उन लोगों पर दया का भाव रखता था। तो पीटी नाउन भी और वर भी है, हो गया। एक और एग्जाम्पल लेंगे, स्टार्ट करें, लिखेंगे कंपल्सिव गैम्बलर्स, कंपल्सिव गैम्बलर्स आर मोर टू बी पिटीड, कंपल्सिव गैम्बलर्स आर मोर टू बी पिटीड, मोर टू बी देन कंडेम्ड, more to be pitied than condemned। हम लोग नहीं बोलते हैं गुस्सा से ज्यादा तरस आता है, गुस्सा से ज्यादा तरस आता है, अरे हमको क्या बिगाड़ोगे, जुआ खेल रहे हो तो है ना, तुम्हारी ही बर्बादी है। कंपल्सिव गैम्बलर उनको बोलते हैं जो चाह कर भी खुद को गैम्बलिंग से, जिनको लत लग गई है किस चीज की,
गैम्बलिंग की, वो अपने कंपल्सन को, जो इच्छा, जो सडन और स्ट्रांग जो इच्छा होती है, उस इच्छा को कंपल्सन बोलते हैं। और जो अपने कंपल्सन से बच नहीं सके उन लोगों को क्या बोलते हैं, जैसे इम्पल्स से बनाए थे, इम्पल्सिव। तो कंपल्सिव गैम्बलर वैसे जुआड़ियों को बोलते हैं जो खुद को रोक नहीं सकते जुआ खेलने से। तो वैसे लोगों को कंडेम तो करने से ज़्यादा उन पर दया के वो पात्र हैं, दे आर मोर टू बी पिटीड देन कंडेम्ड। उनकी आलोचना करने से क्या, वो तो अपने ही हाथे मजबूर हैं। पिटी वर्ब समझ में आया, पिटी से कई सारे एडजेक्टिव बनाते हो, जैसे पिटीफुल, पिटीएबल, पिटीएस, पिटीएबल, चाहे कोई चीज पिटीएबल हो, पिटीएस हो, या पिटीफुल हो, या पैथेटिक हो, या मिजरेबल हो, डिजर्विंग पिटी, दया के लायक, ये पांचों शब्द विशेषण है। पीटीएस, पैथेटिक, पिटीफुल, पिटीएबल, मिजरेबल, डिजर्विंग पीटी, दयनीय। चार लोगों ने मिलकर एक बच्चे का अपहरण किया, बच्चा 3 दिन से भूखा था, दूसरे कमरे से पीटीएस क्राई आ रही थी, एक अपहरणकर्ता का दिल पसीज गया। कैसी चीखे आ रही थी, दयनीय चीख, है ना, जो आपके मन में दया का भाव पैदा कर दे, पीटीएस क्राई, दैट डिजर्व्स पीटी, पिटीएबल कंडीशन, मिजरेबल कंडीशन, पैथेटिक कंडीशन। बीमारी का अध्ययन वाज, और करने वाला वाज पैथोलॉजिस्ट। आगे बढ़ू क्या, हटाओ सबको, पिटीएबल, पीटीएस, पैथेटिक, पिटीफुल, मिजरेबल। नेक्स्ट, कोई खतरा जो छुपा हुआ हो, दैट इज कॉल्ड पिटफॉल, दैट इज कॉल्ड पिटफॉल, वहां है, नाउन है, काउंटेबल नाउन है। छोटी मोटी परेशानी को क्या बोलते हैं, ग्लिच बोलते हैं, काउंटेबल नाउन है। बहुवचन बनाते हैं ईएस जोड़कर, ग्लिच, काउंटेबल नाउन है। बहुवचन कैसे बनाते हैं, ग्लिचेज, स्मॉल प्रॉब्लम्स जो किसी काम के दौरान आती हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लिचेज, जो बहुत सीरियस तो नहीं होती लेकिन काम बिगाड़ देती है। मुझे क्या, अब जैसे हमने ये काम शुरू किया तो क्या किया गया, एक दिन क्लास क्यों डिस्टर्ब हुआ पता है आपने, वो जो बोर्ड लगा हुआ है ऊपर वो उल्टा टंगा हुआ है, कौन वाला बोर्ड, बिजली वाला। तो हम लोग आमतौर पे स्विच कैसे ऑन करते हैं, ऊपर की ओर, और वो कैसे होता है, क्यों, क्योंकि बोर्ड उल्टा टंगा हुआ है, लोगों ने उसको ऊपर ऑन कर दिया, मतलब कि ऑफ कर दिया, जबकि वो ऑन कैसे था, नीचे, क्लास चल रहा था, कैमरा ऑफ हो गया क्योंकि स्विच ऑफ था। हम लोग सोच रहे कि स्विच क्या है, ऑन है। इतना सा प्रॉब्लम के लिए लाखों रुपया का सेटअप का काम बर्बाद हो गया। प्रॉब्लम क्या, कि आपने स्विच उल्टा ऑन किया हुआ है, और लगाने वाले की गलती, उसने बोर्ड को उल्टा टांग दिया है। एक दिन क्यों डिस्टर्ब हुआ, कैमरा ऑन करते हुए किसी ने उसको ऐसे घुमा दिया, जैसे ऐसे ऑन किया ना तो हल्का वो घूम गया, वो रोटेबल फ्रेम है, मैं यहां खड़ा होकर पढ़ा रहा था और कैमरा वहां रिकॉर्डिंग कर रहा था। आधे घंटे के बाद खबर आई कि लो वो तो खाली बोर्ड है ये सर, लेकिन सोच रहा है कि सर अब आएंगे। तो भी क्या है, ग्लिच है। एक दिन क्या प्रॉब्लम आई कि वो जो केबल आया कैमरा से कंप्यूटर में, वो काफी दिन, 2-3 महीना से ऐसी तरह टंगा हुआ था, तो उसमें एक पानी हल्का हल्का झटास लग गया, जिसके कारण उसमें हल्का रस्ट आ गया, तो वीडियो ब्लिंक करने लगता है। तो सारा चीज ओके है, अब एक वायर के चलते वो वीडियो खराब हो रहा है। तो ऐसी छोटी मोटी समस्याओं जिनके कारण पूरा का पूरा काम आपका रुक जाता है, दैट इस तरह की समस्याओं को क्या बोलते हैं, ग्लिच, है ना।
सो देखिए दोस्तों, आज मैं नया काम शुरू कर रहा हूं. वी आर एक्सपेक्टिंग अ फ्यू ग्लिचेज. मतलब मुझे पता है कि कुछ थोड़ी छोटी बड़ी समस्याएं आएंगी. सो प्लीज बी पेशेंट. वी आर एक्सपेक्टिंग अ फ्यू ग्लिचेज. नाउ ने कॉन्टेबल प्लूरल बना लिए. हो गया. अच्छा, कुछ काम ऐसा होता है जिसमें सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेज आ सकते हैं, जिनका पहले से हिसाब. तो व्हाट इज वैगरीज? ये नाउन प्लूरल है, ऑलवेज प्लूरल रखना चाहिए. वैसे चेंजेज जिनको आप पहले से कैलकुलेट करके नहीं बैठ सकते कि ऐसा ही होगा. सपोज आप कोई बिजनेस सेटअप करते हो कि इतना इतना खर्च होगा, इतना इतना ये होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मार्केट डिस्टर्ब हो गया, फलाना चीज़ हो गया, ढिमकाना चीज़ हो गया, उसके कारण हड़ताल हो गया, 5 दिन काम बंद रहा. तो इस तरह की चेंजेज जो आप पहले से कैलकुलेट नहीं कर सकते, जो काम के दौरान ही आपको पता चलता है, वैसे चेंजेज को क्या बोलते हैं? वैगरीज. चेंजेज दैट यू कांट प्री मेडिटेट, जिनके बारे में आप पहले से आप सोच नहीं सकते. तो सडन एंड अनएक्सपेक्टेड चेंजेज आर कॉल्ड वैगरीज. क्लियर? नाउन है ये, प्लूरल फॉर्म में अक्सर लिखते हैं इसको. अब एक नाउन है पिटफॉल. क्या? पिटफॉल. पिटफॉल क्या होता है कि आप ऐसे, पिट का मतलब होता है बेसिकली गड्ढा. पिट का बोले तो गड्ढा, यहां लिखा हुआ है. क्लियर? पिटफॉल क्या होता है? एक अच्छी सड़क दिख रही है, आप दौड़ते जा रहे हैं और अचानक गिर जाएं. क्यों? क्योंकि आपको वो डेंजर पता नहीं था कि वहां गड्ढा है, चिकनी सड़क नजर आ रही थी. ये मैंने इसको एक आसान भाषा में समझाया. वैसे डेंजर जो किसी काम से जुड़े हो और जो आपको शुरू में नजर नहीं आते. काम शुरू कर लिया खूब छाती ठोक के, फलना इतना लाख रुपया किसी चीज में लगा दिया और यूनिटरी मेथड से जोड़ लिया कि इतना समोसा बेचेंगे तो इतना रुपया कमाएंगे. बाद में दिमाग ठिकाने लग गया, कुछ अचानक प्रॉब्लम्स आने लगी. तो वैसे प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं? पिटफॉल बोलते हैं. क्लियर है? क्या लिखेंगे? हिडन डेंजर. हिंदी क्या लिखवाए थे? कोई खतरा जो छुपा हो और शुरुआत में नजर नहीं आता, दैट इज कॉल्ड पिटफॉल. एक एग्जांपल लेंगे पिटफॉल के लिए. नाउन है काउंटेबल है, बहुवचन बनाते हैं. दे ओवरलुक्ड. दे ओवरलुक्ड the possible pitfalls, संभावित खतरे. they overlook मतलब अनदेखा करना. they overlook the possible pitfalls of buying that house. आगे बढ़े. चलिए, PTS आप जानते हो, अभी अभी किया. PTS से बनाए दयनीय, पिटिएबल, पैथेटिक, पिटीफुल. पिस आर्टिस्ट शराबी को बोलते हैं. पिस आर्टिस्ट शराबी भाई बुल्लस है ना, और टी टॉटलर जो बिल्कुल शराब नहीं पीता, दैट इज टी टॉटलर. अब पिस आर्टिस्ट जो खूब शराब पीता है, टी टॉटलर, शराब निषेधी, मध्य निषेधी, शराब का सेवन ना करने वाला, टी टॉटलर. और बाइबुलस वगैरह शराबी को बोलते हैं. सॉजल्ड जो शराब के नशे में हो, इनएब्रिएटेड जो शराब के नशे में हो. हटाओ इसको, हटा ले बाबू. पिस का अर्थ होता है यूरिनेट.
पीस का मतलब होता है यूनिट वर्ब है, पी डब्ल एस। आगे बढ़े, अब हमारे पास एक वर्ड आ रहा है पिस्ड, पी आई डबल एस ई डी, पी आई डबल एस ई डी। पिस्ड दो अर्थ में आता है, एक तो होता है ड्रंक, इफ समबडी इज पिस्ड इसका मतलब होता है कि वो टुल है, सॉजल्ड है, इनएब्रिएटेड है, नशे में धुत। पिस्ड का अर्थ होता है ड्रंक या सॉजल्ड, एसओ डबल जेड एल ई डी, या इनएब्रिएटेड, नशे में धुत। इफ समबडी सॉजल्ड इट मीन्स दैट ही इज ड्रंक। पिस्ड का दूसरा अर्थ होता है एनॉयड, चिढ़ा हुआ। द ऑफिसर वॉज पिस्ड, है ना, द ऑफिसर वॉज पिस्ड जब उसने देखा कि फाइल्स उसके टेबल तक नहीं पहुंची है, चिढ़ गया, एनॉयड। आप पिक्ड भी बोल सकते हो, आप वेक्स्ड भी बोल सकते हो, क्रोधित, चिढ़ा हुआ। क्रोधित के लिए इंडिग्नेंट भी बोल सकते हो, क्रोधित के लिए इरेट भी बोलते हो, इरेट एंग्री, इरेट आयर से बनाया था ना। नेक्स्ट, तो पिस्ट का दो अर्थ, एक क्या ड्रंक और एक एनॉयड, हो गया। सॉजल्ड मतलब, अब आइए अगले वर्ड पर, पायरेट। पायरेट बोलते हैं समुद्री लुटेरा को, है ना, सोमालियन पायरेट्स। सोमालिया एक देश है साउथ अफ्रीकन, जो जहाजों को रोककर लूटपाट करता है, बड़ा उनका खौफ है। समुद्री लुटेरा, डकैत। पायरेट उस व्यक्ति को भी बोलते हैं जो पायरेसी करता है। पायरेसी क्या होता है, इलीगल तरीके से चीजों का कॉपी बनाने का काम, जैसे किताबों की पायरेसी की जाती है ना। आप लोगों ने एससी वर्मा खरीदा होगा, वो पायरेटेड वाला, फिजिक्स का ओरिजिनल 300, वही वाला 100 रुपया में गांधी मैदान से खरीदता है ना, बहुत बढ़िया। पायरेटेड सीडी आती है, ओरिजिनल सीडी का दाम कुछ होता है और नकली वाला जो रहता है उसका कुछ और होता है। तो ये गलत तरीके से किसी चीज की प्रतियां तैयार करना, दैट इज कॉल्ड पायरेसी। और वो भाई साहब जो इस काम में लगे हुए, तो पायरेट का नाउन के रूप में अर्थ हो गया समुद्री लुटेरा, और नाउन के रूप में दूसरा अर्थ हो गया वो व्यक्ति जो किसी चीज की नकली मतलब प्रतियां तैयार करता हो गैर कानूनी तरीके से, और उस काम को क्या बोलते हैं, पायरेट। शब्द भर्ब भी है, किसी चीज की नकली कॉपी बनाना, टू मेक इलीगल कॉपीज ऑफ समथिंग। तो पायरेट नाउन है या वर्ब, दोनों है। अगर आपने किसी चीज की पायरेटेड कॉपी खरीदी है, किसी किताब की, मतलब डुप्लीकेट तरीके से, इलीगल तरीके से बनाई गई कॉपी खरीदा है आपने, ओरिजिनल बुक नहीं खरीदा, क्यों नहीं खरीदते हो, पायरेटेड कॉपी सस्ती होती है, पायरेटेड सीडी जो है सस्ती होती है। हो गया बेलो, पिक। पिक जो है वो एक वर्ब है और नाउन भी है, नाउन के रूप में एंगर, वर्ब के रूप में एंगर दिलाना, गुस्सा दिलाना। इसके साथ पिस्ड के साथ आपने उसको सिनोनिम्स के रूप में यूज किया था, पिक्ड को। पिक का मतलब या तो एंगर, या टू मेक समबडी एनॉयड, और टू मेक समबडी एंग्री, गुस्सा दिलाना। दिस नॉइज, ये जो रोज रात को खटर खटर करता है, पिक्स मी, ये आवाज मुझे चिढ़ दिलाती है, गुस्सा दिलाती है, इरिटेट्स मी, मेक मी एंग्री।
ओके अच्छा बाबू हो गया। चलो देखो, पिक का एक बिल्कुल अलग अर्थ होता है। पिक शब्द का एक अर्थ होता है किसी के दिलचस्पी को जागृत करना। छोड़ो इसको, ये नहीं समझ में आएगा। इंट्रीग एक वर्ब है, इट हैज टू डिफरेंट मीनिंग्स। फर्स्ट इज षड्यंत्र रचना, इंट्रीग अगेंस्ट समबडी। माई एडवर्सरीज, एडवर्सरी समझता है ना, ए डी वी ई आर एस ए आर वाई, विरोधी। माई एडवर्सरीज आर इंट्रीगिंग अगेंस्ट मी, मेरे विरोधी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे। और इंट्रीग समबडी, जब षड्यंत्र रचना होता है तो ऐसा होता है, और जब ये सीधे ऑब्जेक्ट लेता है तो इसका मतलब होता है किसी के मन में किसी चीज की दिलचस्पी पैदा कर देना, टू मेक समबडी फील इंटरेस्टेड। टू मेक समबडी फील इंटरेस्ट, दिलचस्पी पैदा करना। इससे दो हटाए बाबू लोग, हुआ क्या, अब इसे दो एडजेक्टिव बना रहे हैं, इंट्रीगिंग और इंट्रिग्ड। अगर कोई चीज इंट्रीगिंग है, दिलचस्पी पैदा करने वाली, इंटरेस्टिंग का सिनोनिम्स है इंट्रीगिंग स्टोरी, मतलब ऐसी स्टोरी जो आपके मन में इच्छा पैदा कर दे कि आप जाने कि क्या हुआ कैसे हुआ। और अगर कोई बंदा इंट्रिग्ड है, वो पर्सन इंटरेस्टेड, दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज इंटरेस्टेड। इफ आई एम इंट्रिग्ड, मैं इंटरेस्टेड हूं किसी चीज में, क्योंकि सामने वाली चीज मुझे क्या लगी, इंट्रिगिंग लगी। अगर किसी का ऑफर इंट्रिगिंग है, मतलब आपके मन में कि ना 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 करेंगे ऐसा वाला नहीं, आपके मन में वो प्राप्त करने की इच्छा पैदा हो गई क्योंकि ऑफर अच्छा था। बुझा क्या, अरे बुझा क्या, जन्म गधा मिटा क्या, बहुत बढ़िया। हाँ देखो, ये एक फ्रेज है। पिक का मूल अर्थ क्या था, गुस्सा या गुस्सा दिलाना। पिक समबडीज इंटरेस्ट का अर्थ होता है किसी के मन में इच्छा पैदा कर देना, जानने की इच्छा, क्यूरोसिटी पैदा कर देना या डिजायर पैदा कर देना। उस तरह के नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे किस चीज का, पिक का। मुझे अंग्रेजी बिल्कुल पसंद नहीं था, बट हिज लेक्चर पिक्ड माई इंटरेस्ट इन इंग्लिश, हिज लेक्चर पिक्ड माई इंटरेस्ट, मतलब मेरे अंदर दिलचस्पी पैदा कर दिया। हिज लेक्चर पिक्ड माई इंटरेस्ट। अच्छा, एक वर्ड होता है वेट, बढ़ाना, वेट डिजायर। अगर आप क्राइम पेट्रोल 10 मिनट देख लेंगे, इट विल वेट योर डिजायर, वो आपको इच्छा हो जाएगी कि का हो ले, कौन मरल के, कैसे मरल के, है ना, वो आपको फंसा लेगा, वो आपको इंगेज कर लेगा। आप चाहोगे कि 10 मिनट देख लेते फिर चैनल बदल लेंगे या काम पे चले जाएंगे, ना, वैसा फंसाएगा आपको कि आप उसके चक्कर में पड़ जाइएगा, इसीलिए उसको देखे हुए मत कीजिए। 10 मिनट देखेंगे तो फिर सस्पिशन होता है ना, थ्रिल होता है ना, इस तरह से दिखाएगा छुपा छुपा के कि आपके अंतिम मिनट तक आपको फंसा के रखेगा। इट विल वेट योर डिजायर, वेट डिजायर, इफ यू वेट समबडीज डिजायर, आप उसकी डिजायर को इंक्रीज कर रहे हैं,
बढ़ा रहे हैं किसी चीज़ को जानने का डिजायर, किसी का चीज़ का डिजायर। जैसे एक और बात समझो, कभी मदारी का खेल देखा है सड़क किनारे, कुछ नहीं रहता है उसके रुमाल के नीचे, रुमाल बिछा देगा इसे और एक घंटा वो बात बनावेगा, एक बार बाबा का नाम ले लेंगे ले लेंगे ले लेंगे ले लेंगे, हाथ उठाएगा हाथ उठाएगा हाथ उठाएगा हाथ उठाएगा, बस उठा और फिर टॉपिक बदल देगा, लगेगा कि अभी उठाने वाला है लेकिन पांच मिनट के बाद फिर वो टॉपिक चेंज कर दिया और फिर पंद्रह मिनट आपको दूसरा दूसरा जगह घुमा रहा है वो, और ऐसा बांध के रखेगा कि आप हट भी नहीं पाएंगे। अच्छा रुक पांच मिनट देख ही ले, पांच मिनट में तो हटेबे करते है ना, तो वो आपका डिजायर को क्या कर देता है, गीला कर देता है। ये गीला, ये और ये गेहूं, ये गेहूं और ये चालाकी से बोलने की क्षमता, और ये वजन, ये वेट, वजन वेट, चालाकी से बोलने की क्वालिटी नाउन है, वेट इच्छा बढ़ाना, ये वेट गीला, ये वीट गेहूं। हो गया, वेट नाउन है वजन, वजन होना या वजन नापना, वे जीएच पूरी तरह गायब रहता है, वेग मत पढ़ लीजिएगा उसको, वे वजन नापना या वजन होना, ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। द बेबी वेज 3 pounds, मतलब बुतरुआ 3 pounds का है या 6 pounds का या 12 pounds का, दैट्स अ वर्ब, वे और वेट। द सेम डिफरेंस इज इन बिटवीन कंप्लेन एंड कंप्लेंट, रिस्ट्रेन एंड रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेन इज वर्ब, रिस्ट्रेंट इज नाउन, कंप्लेन इज वर्ब, कंप्लेंट इज नाउन, वे इज वर्ब, वेट इज नाउन, साइन इज वर्ब, सिग्नेचर इज नाउन। जय हो, कौन हो, वेइंग मशीन, वजन वाली मशीन को क्या बोलते हैं, वेटिंग मशीन नहीं बोल देगा। अच्छा वही वाला वेट आओ, कंफ्यूज मत करते, सब वेटे वीट है, ये वाला तो बुझा ही सर बचपन से करते है। चलो देखो आगे बढ़ेंगे, कहां तक पहुंचे थे, लाइन से चलो, पिटेड, पिट मतलब गड्ढा, देखो पिट मतलब गड्ढा, किसी तरह के गड्ढा को पिट बोल सकते हैं, और पिटफॉल बोलते हैं हिडन डेंजर को, हिडन डेंजर को क्या बोला गया, पिटफॉल। एडजेक्टिव बना रहे हैं पिटेड, क्या छिद्रदार, हालांकि होल जो नाउन है ना उससे भी एडजेक्टिव बनाते हैं, होल नाउन है, छेद, होली, अगर कोई कपड़ा होली है या कोई शर्ट होली है मतलब उसमें जैसे क्लाउड से, मड से, डर्ट से, एंगर से, होल से, होली, छिद्रदार। बाबू तीनों होली अलग अलग बा, एगो होली तो आवे था वही वाला, ई होली पवित्र है, होली त्योहार, होली पवित्र, होली छिद्रदार। हो जाएगा तो मैसेज कीजिएगा, आगे बढ़ू, नेक्स्ट, पिटेड समझ में आया, पीट समझ में आया, एक बड़े पिन प्रिक, पिन से जो छेद करते हैं ना किसी चीज में, या पॉइंटेड चीज से जो छेद करते हैं, दैट इज कॉल्ड पिन प्रिक। अगर आपके टायर को पिन प्रिक हुआ मतलब चाकू से किसी ने काट दिया, नहीं, किसी नुकीली चीज से उसमें छेद हुआ है, तो नुकीली चीज से की जाने वाली छेद, दैट इज पिन प्रिक। फोड़ा में डॉक्टर ने पिन प्रिक किया मतलब छेद बनाया ताकि पस को बाहर किया जा सके,
नुकीली चीज से किया जाने वाला छेद, और किसी चीज को सटीकता से दर्शाना इज पिन पॉइंट, पिन पॉइंट। या किसी चीज को एग्जैक्टली और एक्यूरेटली दिखाना, दैट इज कॉल्ड पिन पॉइंट। सर बहुत प्रॉब्लम है इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं। अगला दिन पूछा, हाँ जी बताओ सर, बहुत प्रॉब्लम है इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं। मैंने बोला अपनी प्रॉब्लम्स को पिन पॉइंट करो कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसा ही सर घर में, तो घर में तो तरह तरह का प्रॉब्लम होता है, पिन पॉइंट करो। तो सर ये एक प्रॉब्लम है, उसने एग्जैक्टली बताया, दैट इज कॉल्ड पिन पॉइंटिंग करना। ये नक्शा है ना, ये किसी चीज का नक्शा बना हुआ है। मैंने बोला गया का पोजीशन पिन, सर यही एरिया में है गया, तो मतलब पिन पॉइंट करो। तो जी सर ये जो आप देख रहे हैं ये गया है। तो किसी चीज को एग्जैक्टली एक्यूरेटली शो करना, दर्शाना, दैट इज कॉल्ड पिन पॉइंट, वर्ब है। अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को पिन पॉइंट कर रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली बता रहे हैं कि ये समस्याएं हैं। आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट अधिकार। गलत तरीके से कॉपी करने का अधिकार हो चाहिए तुमको, बोलने में भी लग रहा है कि अधिकार है ना, ऐसा ना अधिकार मिल जाए। पायरेसी, द क्राइम ऑफ कॉपीइंग समथिंग इलीगली, नाउन हो गया पायरेसी। और द क्राइम ऑफ बेगिंग, वैग्रेंसी, द वर्ड वॉज वैग्रेंसी, भीख मांगने का अपराध। नेक्स्ट, किसी के लिए पिक, पी आई क्यू यू ई, बिटर फीलिंग्स, गुस्सा। नेक्स्ट, जी धर्म, पायस, पायस, शोइंग रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन और गॉड, पायस ये विशेषण है। नाउन बनाते पीटी, पी आई ई टी वाई, पायस एडजेक्टिव है और पीटी नाउन है, धर्म आदि के प्रति सम्मान, पीटी, रेवरेंस, पीटी। इस पीटी को नहीं कंफ्यूज करोगे पी आई टी वाई से, ये पीटी दया है और पी आई ई टी वाई ये धार्मिक सम्मान है। नाउन हो गया वो, शो सम पीटी, पी आई टी वाई, तो सम्मान दिखाएं ईश्वर के लिए, देवता के लिए, धर्म के लिए। इससे बनाते हैं इमपीटी, अनादर, और इससे बनाते हैं इमपायस। जो फर्क पायस और पीटी में एडजेक्टिव नाउन का, वही फर्क उधर भी है। नेक्स्ट जी, पायनियर, नाउन भी है वर्ब भी है, अग्रणी या अग्रणी होना, ट्रेल ब्लेजर बताए थे, ट्रेल ब्लेजर। अमुक रिसर्च के मामले में फलना यूनिवर्सिटी के फलना प्रोफेसर पायोनियर है, मतलब उनसे आगे कोई नहीं है इस रिसर्च में, जितना जानकारी नॉलेज उनके पास है, जितना उन्होंने रिसर्च करा, किसी के पास नहीं है। तो इफ यू आर अ पायोनियर इन अ पर्टिकुलर फील्ड, आप उस क्षेत्र में सबसे आगे हैं, वैनगार्ड, याद है, भर भी है, पायोनियरिंग इंस्टीट्यूशन। अगर कोई संस्था पायोनियरिंग है, मतलब अग्रणी संस्था, बाकियों से जो आगे है। यह आईएनजी क्यों जोड़ पाए, क्योंकि द वर्ड पायनियर इटसेल्फ इज अ वर्ब, तो आप उसमें आईएनजी जोड़ सकते हो। अगर आप किसी क्षेत्र में पायनियर कर रहे हैं, मतलब आगे चल रहे हैं। Our company is proud to be a pioneer in this section. मतलब
इस क्षेत्र में अग्रणी होने का हमें गर्व है। नेक्स्ट पिन स्ट्रिप बोलते हैं, अच्छा लिखा हुआ है, जो बेसिक कोट का जो कपड़ा होता है ना, वैसे काले कपड़े जो पूरा ब्लैक हो और उस पर ऐसे उजली उजली लंबी धारियां होती है, उसे कपड़ों को क्या बोलते हैं, पिन स्ट्रिप। कपड़ा को अगर आपने कोई पिन स्ट्रिप सूट पहना है तो ऐसा कोट पैंट है जिसमें उजली धारियां हैं ब्लैक कपड़े पर। शूट समझते हैं ना, फॉर्मल कोट पैंट को शूट बोलते हैं। ये हम लोग वाला सूट नहीं जो महिलाएं, दैट इज सलवार समीज। आगे बढ़े क्या नेक्स्ट जी, अच्छा अच्छा ठीक हो, देखो एक फ्रेज है बाबू, पिंस एंड नीडल्स, पिंस एंड नीडल्स, अनकंफर्टेबल फीलिंग। होता क्या है, कई बार आप अगर गलत तरीके से लेटे हुए या बैठे हुए काफी देर तक, तो अचानक से सांस अटक जाती है या गैस चढ़ जाएगी, या सांस लेने में अचानक से बहुत तेज दर्द होता है, लोग पूरा डीप ब्रेथ नहीं ले पाते, डीप इनहेलिंग नहीं कर पाएंगे, लगेगा कि सांस ही क्या हो गया, अटक गया, वो पूरा थोड़ी देर के लिए ही सही, 10 सेकंड के लिए सही, 20 सेकंड के लिए पूरा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड ब्लॉक हो जाता है या ब्लड का फ्लो रुक जाता है या एयर का पासिंग रुक जाता है, बिकॉज ऑफ लाइंग इन अ डेंजरस पोजिशन में अगर आप लेटे हुए हैं या उस तरीके से। तो उससे जो कोई अप्रिय फीलिंग या अनकंफर्टेबल गैर आरामदायक जो स्थिति पैदा हो जाती है शरीर में, उस स्थिति को क्या बोलते हैं, पिंस एंड नीडल्स, नाउन है। बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ ब्लड और एयर एंड बिकॉज यू आर लाइंग इन अ अननेचुरल पोजिशन। अब एक फ्रेज है ऑन पिंस एंड नीडल्स, अगर कोई आदमी ऑन पिंस एंड नीडल्स है मतलब वो परेशान है। बहुत ही मशहूर फ्रेज आया, करोड़ों में बिकता है दोनों, ऑन टेंटर हुक्स। इफ somebody इज ऑन टेंटर हुक्स, he is worried, he is uncomfortable, he is perplexed। जैसे जब आपका रिजल्ट आना होता है 4 दिन के बाद, या कल सुबह रिजल्ट आने वाला है, तो रात को कितना अच्छा लगता है सोने में, आ हा हा, गहरी नींद, एकदम लगे ठंड ठंडा हवा चल रहा है, नहीं नींद में नहीं आएगा, छटपट छटपट जी करेगा, है नहीं सोने। तो इफ somebody इज ऑन टेंटर हुक्स, ही इज अनकंफर्टेबल, ही इज नॉट रिलैक्स्ड, मुझे क्या, तो ये फ्रेज है ऑन टेंटर हुक्स, नॉट रिलैक्स्ड। अभी नेताजी लोग को देखो, सब एकदम आराम से सोते हैं, सोएंगे घर पे जाके, सबका नींद उड़ा हुआ है, दे आर ऑन टेंटर हुक्स, का होते कैसे होते ना होते यहां होते, अरे बुझे क्या। सो जब भी आपका कोई बिग डे होता है, आप टेंटर हुक्स पे आ जाते हैं, मतलब आप परेशान हो जाते हैं, ऐसा लगता है यू आर ऑन पिंस एंड नीडल्स, लगता है जैसे आप कील और सुइयों पर आपका जीवन जो है आप चल रहे हैं लेटे हुए, बेचैनी वाली स्थिति हो जाती है। हाँ जी, कुछ कुछ चोटी या सिर्स पिनाकल, सी इज एट द पिनाकल ऑफ हर कैरियर, सी इज एट द पिनाकल ऑफ हर, दीपिका पादुकोण इज एट द पिनाकल ऑफ हर कैरियर, वो अपनी कैरियर के शीर्ष पर है, इतना ऊंचा कभी उसका कैरियर न था न होगा, ये उसके कैरियर का टॉप पॉइंट है, एपेक्स है, समिट है। आगे बढ़ूं, शीर्ष या चोटी, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट जी पिंकी, पिंकी कोई है, लिटिल फिंगर को पिंकी बोलते हैं, नाउन है लिटिल फिंगर,
जिसको हम लोग कानी उंगली बोलते हैं। वो वाला नहीं रे, आगे बढ़ेंगे। पिनियन, बांधना या पकड़ना, टू होल्ड और टाई समबडीज हैंड सो दैट ही कांट मूव, सो दैट ही कांट मूव। पुलिस आती है, आपका दोनों हाथ पीछे ऐसे करके दबोच लेती है और दोनों हाथ को पकड़ लेती है ताकि आप आराम से टहलते हुए भाग जाए, और ऐसे हाथ पकड़ के आपको दीवार की तरफ ऐसे मुड़ी घुमा देती है और हाथ पीछे से इस तरीके से बांध देती है, पकड़ लेती है। दैट इज कॉल्ड पिनियन करना, टू होल्ड समबडीज बाई हिज हैंड्स और टू टाई समबडीज हैंड्स सो दैट ही कांट एस्केप। पिनियन, आई वॉज पिनियन, मतलब मेरे हाथों को बांध दिया गया था। उन्होंने आतंकवादी को जब घेर लिया तो उसको बोला जमीन पे लेटने के लिए, और फिर उसके ऊपर उछल के दबोच कर बैठ गए और उसके हाथ को पिनियन किया गया, है ना, हाथ पीछे करके बांध दिया जाता है ताकि वो कोई डेंजरस एक्टिविटी ना कर सके। आई वॉज पिनियन, ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट ले सकता है, पैसिव में लिख रहे इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे। हाँ जी, नेक्स्ट, किसी को ईमेल भेजोगे, पिंग, बहुत सारे अर्थ होते हैं, टेक्निकल वर्ड है, कंप्यूटर जो यूज करते हैं उनको पता होता है। ईमेल या टेक्स्ट मैसेज वगैरह भेजना, पिंग का अर्थ होता है किसी कंप्यूटर को सिग्नल भेजना, ये देखने के लिए कि वो कनेक्शन नेट उसका चल रहा है या नहीं, बहुत तरह का अर्थ होता है। आई विल पिंग यू लेटर, मतलब मैसेज या ईमेल बाद में भेजूंगा। नेक्स्ट, किसी के मरने या, बाबू देखो पाइन एक तरह का पेड़ होता है, पाइन ट्री बोलते हैं, जिसके वो नुकेले पौधे पत्ते होते हैं, बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पाइन ट्री। पाइन इसलिए बोल, वो नुकीले इसलिए होते हैं ताकि बर्फ उन पर जमे नहीं, है ना। अगर हमारे यहाँ कमल की तरह वो फ्लैट पत्ता होगा तो दब क्या जगह चुरा जाएगा बर्फ से, अरे बुझे क्या। तो इसीलिए बर्फीले इलाकों के जो पौधे होते हैं वो नुकीले होते हैं, घर जो बनाते हैं वो इस तरीके का बनाते हैं बर्फीले इलाके लोग, ताकि बर्फ जो है छत पर टिके नहीं और वो स्लाइड कर जाए। हमारे यहाँ की तरह के जो फ्लैट घर बनाने लगेंगे तो छत ही वो बर्फ पे 8-8 फीट बर्फ जम जाएगा वो, और बुझे क्या। इसीलिए वो बड़े घर नहीं बनाते, अंग्रेजों के टाइम के जितने डिजाइन देखोगे इस तरह का झोपड़ी नुमा जो होता है स्ट्रक्चर, हमारे यहाँ घर जो है इस तरह फ्लैट होता है। तो पौधे भी उसी तरह से इवॉल्व हो गए हैं, तो वो पाइन होता है। तो एक तो ये नाउन के रूप में अर्थ हो गया। अब हम आते हैं वर्ब पर। अगर आप किसी के लिए पाइन कर रहे हैं मतलब वो विदा हो गया, या तो मर गया या दूर चला गया और आप दुख मना रहे हैं, मॉर्न वाले अर्थ में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। मॉर्न, मॉर्न, MOURN, शोक मनाना, दुख मनाना, बिकॉज समबडी हैज डाइड और गॉन अवे। पाइन फॉर समबडी का अर्थ होता है मिस करना, मिस समझता है, मिस, हम तोरा मिस कर रही हो। आई पाइन फॉर यू मतलब आई मिस यू, तू यती रहता हलता कितना अच्छा लगता हो। पाइन फॉर समबडी, मिस करना। चलो जी, क्या करेगा बाबू इसे पढ़। पिंग, पाइन, है ना, पीट, पिलरी, इतना सुंदर वर्ड है बाप। लैम्बेस्ट, क्रिटिसाइज, लैम्पून, धुआं उड़ा देना, फुलमिनेट, ग्रिल, आई विल ग्रिल यू, डू अ हैचेट जॉब, आलोचना करना, कितना आलोचना करोगे। वर्ब है, खैर आएगा आगे। हाँ जी जी, किसी चीज का चुभना, पिंच ले लो, पिंच, माई शूज आर पिंचिंग, चुभ रहे, देर इज समथिंग पिंचिंग इन माई बैक। पिंच के कई सारे अर्थ होते हैं बैलो। चुभना, वो किसी को चिकोटी काटना, है ना, चुट्टी काटना,
चिकोटी काटना, ही पिंच्ड मी, उसने मुझे पिंच का एक अर्थ होता है अरेस्ट करना, आई वॉज पिंच्ड मतलब मुझे फॉर ओवर स्पीडिंग, फॉर ड्रिंक एंड ड्राइविंग ऐसा। हो गया, पिंच का एक अर्थ होता है चोरी करना, छोटी मोटी चीज, सबसे फेमस अर्थ यही है। पाकिस्तान के जो आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको 1971 का हार आज भी पिंच करता है, चुभता है उनको, है ना, और वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसी चुभन में ये इस तरह का पागलपन वाला हरकत करते हैं। तो उनको कंडेम करने से अधिक उनको पीटी करो, है ना, दे आर मोर टू बी पिटीड देन कंडेम्ड, दे शुड बी पिटीड मोर देन, जितनी आलोचना करो उससे ज्यादा उनकी तरस खाओ उन पर, बेचारे दर्द में है। 71 वाला हार वो भूले नहीं, कल्पना करते हो 90,000 लोग हाथ में ऐसे राइफल लेके लाइन से आए और ऐसे हाथ जोड़ के रखे और सैल्यूट मार के साइड हटे और सामने टेबल लगा के इंडियन आर्मी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। अब दृश्य की कल्पना करें क्या बीतता होगा उनकी आत्मा पर। बांग्लादेश वाला युद्ध, और मुझे क्या, वो मैदान में कतार से लोग पाकिस्तान के आर्मी के लोग आके उस तरीके से सरेंडर कर रहे थे, भयावह, तो उनके लिए वो सपना में वो दृश्य आता होगा तो नींद टूट जाता होगा, आए बाप, है ना, एक नया देश बन गया। तो ये जो दर्द है वो तो इसीलिए सब करते रहते हैं, छोटा मोटा जो करते हैं ना, सब चुटपुटियां फोड़ते हैं। खैर, तो वो चीजें, वो यादें उनको क्या करती हैं, दिस मेमोरीज पिंच देम, चुभती है उनको। हाँ जी, अच्छा दलाल, हम तलाक सुन रहे हैं, पिंप, नाउन और वर्ब दोनों है। किसी प्रोस्टिट्यूट का जो दलाल होता है या दलाली करना, पिंप गाली के रूप में भी यूज करते हैं। अगर आप किसी आदमी को पिंप बोल रहे हो मतलब गाली दे रहे हो। दलाल, दलाल या दलाली करना, खासतौर पे किसी प्रोस्टिट्यूट का, वेश्या का। प्रोस्टिट्यूट के लिए हसलर, हरलट जैसे वर्ड देखे थे, है ना, और ब्रोदल बोले थे वैश्यालय को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये पीटी किसको बोले थे, धार्मिक श्रद्धा को, और धार्मिक श्रद्धा वाले आदमी को पायस, पिनाकल शीर्ष को, पाइवोट और निर्भर होना किसी चीज पर, पाइवोट मूल आदमी को बोलते हैं। आगे परसोनेज किसी फेमस आदमी को। हाँ जी, पायलट, देखो पायलट का मूल अर्थ होता है चालक या चलाना, पायलट चालक या चलाना। अच्छा, हमारे दिमाग में होता है कि पायलट खाली जो हवाई जहाज चल चला, ऐसा नहीं, ड्राइवर इज पायलट, कोई भी कमर्शियल व्हीकल जो चला रहा है वो क्या है, पायलट है, वेदर वो ट्रेन चला रहा हो, वेदर वो बस चला रहा हो, ट्रक चला रहा हो, या हवाई जहाज चला रहा हो, या पानी जहाज चला रहा हो, इज अ पायलट। हो गया क्या, भर भी है चलाना। एडजेक्टिव के रूप में पायलट का अर्थ होता है समथिंग दैट हैज बीन डन ऑन अ स्मॉल स्केल, अ स्मॉल लेवल, ताकि उसकी टेस्ट कर सके। सरकार एक योजना लेकर आती है मात्र 4 जिला में लागू की, ताकि देखा जाए कि ये योजना लागू करने में क्या क्या ग्लिचे जाते हैं, क्या क्या समस्याएं उभर के आते हैं, क्या क्या पिटफॉल्स होंगे, हिडन डेंजर क्या है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उसको पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं, जो छोटे स्तर पर किया गया। पायलट सर्वे, कैसा सर्वे, जो पूरे देश में हुआ। पायलट स्टडी, जो छोटे अध्ययन पर, किसी छोटे स्तर पे किसी चीज का रिसर्च किया गया, अध्ययन किया गया, दैट इज पायलट। मोदी जी ने व्यंग्यात्मक तरीके से दोनों पायलट को एक साथ यूज किया। जब पाकिस्तान से अभिनंदन छूट कर आया तो उन्होंने बोला पायलट प्रोजेक्ट पूरा हुआ। अब इट हैज टू डिफरेंट मीनिंग्स, एक तो कि पायलट को छुड़ाने का प्रोजेक्ट पूरा हुआ,
और एक की अभी जो मारे हैं ये पायलट प्रोजेक्ट है, देख रहे थे कि मार पाएंगे कि नहीं। आगे उन्होंने बोला पूरा पिक्चर तो अभी बाकी है। तो उन्होंने एक ही साथ दोनों पायलट शब्दों को यूज किया। पायलट प्रोजेक्ट पूरा हुआ मीन्स के अभिनंदन की वापसी हुई। अब पायलट प्रोजेक्ट पूरा हुआ मतलब कि गए और बालाकोट में हमला करके आ गए, लार्ज स्केल पे नहीं किए, मतलब पूरा आर्मी या पूरे फोर्स से नहीं किए, विथ ऑल माइट नहीं किए। तो एक ही लाइन में एक ही फ्रेज में दोनों भाव था। तो उस दिन पूरे दिन टीवी पर वो डायलॉग उनका बार बार रिपीट हो रहा था, पायलट प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ज़्यादा तो पाकिस्तान में खलबली था कि देखिए हमारा प्रधानमंत्री पीसफुल जेस्चर दिखाया, कैदी को छोड़ दिया, और वहाँ देखिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अभी तो सीन बाकी है ना। हाँ वो जरूरी है, दुश्मनों में खलबली जरूरी है, डर जरूरी है। नेक्स्ट पिलियन, मोटरसाइकिल की बैक सीट को बोलते हैं पिलियन ड्राइवर, जो बैक सीट पर बैठा है, या पिलियन हेलमेट। पिलियन हेलमेट भी जरूरी है, मतलब बैक सीट पर बैठने वाले आदमी का भी। हम लोग के यहाँ बस ड्राइवर हेलमेट चेक होता है, पीछे भले दो को बैठल रहे हेलमेट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन नियम ये नहीं कहता है। नियम है कि दोनों राइडर्स को हेलमेट होना चाहिए। नेक्स्ट, बैक सीट ऑफ अ मोटरसाइकिल इज कॉल्ड पिलियन, और सीट को ऐसे सैडल भी बोलते हैं। सैडल का नाउन के रूप में अर्थ होता है सीट, और वर्ब के रूप में सवार होना, और अनसैडल मतलब उतरना या घोड़े पर से पूरे सिस्टम को उतारना, हटाना, वो बैठने की सीट वीट को हटाना, दैट इज अनसैडल करना। इफ़ यू आर अनसैडलिंग अ हॉर्स मतलब आप उससे वो सीट वीट हटा रहे हैं। नेक्स्ट जी फुलमिनेट, फुलमिनेट लैम्बेस्ट, आईडी में जाता है वाई हटाकर, जैसे क्राई का बनाए थे V2V3। लैम्पून भी था, सटायराइज करना, व्यंग करना, सटायर नाउन है व्यंग, और इसी से बनाए थे आलोचना करना व्यंग्यात्मक तरीके से, लैम्पून है ना। हो गए कितना पढ़ो अब। नेक्स्ट जी तकिया, पिलो, नाउन और वर्ब दोनों है। तकिया लेकर आराम करना, सिर टिका के आराम करना, दैट इज पिलो, और हाथ पैर फैला के बैठना, स्प्रॉल। और पाइन फॉर समबडी मिस करना, पाइन फॉर समबडी मिस करना। हाँ पुत्र लोग बोलेगा जी, तीर्थयात्री नाउन है, पिलग्रिम काउंटेबल नाउन, बहुवचन ऐसे जोड़कर पिलग्रिम। हाँ जी पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा, ये भी नाउन है, पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा। सारे अल्फाबेट सिंगल होंगे, और गो ऑन अ पिलग्रामेज, पिलग्रामेज तीर्थ यात्रा पे जाना, जैसे गो ऑन अ वॉक होता है ना, गो ऑन अ जर्नी, गो ऑन अ ट्रिप, गो ऑन अ ट्रिप, गो ऑन अ जर्नी। ये आर्टिकल हटाओगे भारी वाला पाप लगेगा, गो ऑन अ जर्नी, गो ऑन अ ट्रिप, गो ऑन अ वॉयज, समुद्री यात्रा पे जाना। गो ऑन अ पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा पे जाना, आर्टिकल मस्ट नॉट बी रिमूव्ड। हाँ जी जी गोली, पिल, PLL, स्लीपिंग पिल्स, डॉक्टर नींद नहीं आती है फ्रस्ट्रेशन में तो डॉक्टर ने आपको नींद वाली गोलियां दे दी, पिल, PLL। गोली को टैबलेट भी बोलते हैं या टैब भी बोलते हैं।
हम लोग आमतौर पे टैबलेट ज़्यादा बोलते हैं पिल के बजाय। अगर आप गांव देहात में किसी गांव में जाकर बोलिए पिल तो उसको समझे में नहीं आएगा पिल कुछ पिल्लू है ना, ऐसा पूछते हो पिल बुझाई नहीं रहा पिल कुछ, पिल से पिल गोबड़ी सुना है पिल गोबड़ी, रिक्रिएंट कावर्डली डरपोक नहीं बोलते हैं पिल गोबड़ी है, नहीं सुना है, कौन कौन नहीं सुना है, सब तुम लोग मंगल ग्रह से लैंड किया, अरे बाप रे बाप जा। चलो देखो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स आ गए गलती से, नहीं आने चाहिए थे बट आ गए हैं तो अब निपटा देते हैं। कैसे कैसे एक बार फिर से हर एक्सप्रेशन वाज इट वाज लाइक दैट है ना, सी फर्स्ट फोटोजेनिक था ना, फोटो के लायक जी। अच्छा जा 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 अब सब बड़े 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 बाबू, अच्छा बता देंगे जाओ ना कल, कल बता देंगे। तस्वीर खींच लो कि ये छूटा बने तो फिर ध्यान से उतर जाएगा, एक फोटो खींच लो।